हरिद्वार पुलिस की कांवड़ मेले की शुरुआत के पहले जमकर सराहना की जा रही है, जहां पुलिस के जवानों ने गंगा में डूब रहे कांवड़ों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। दरअसल हरियाणा का रहने वाला एक युवक का ऋषिकुल के पास महर्षि कश्यप घाट पर नहाते वक्त पैर फिसल गया, जिससे युवक गंग नहर में बह गया। इसी दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस के जवानों ने अचानक युवक को डूबता हुआ देखा, जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस के जवान युवक को बचाने के प्रयास में जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद जवानों ने युवक को रस्सी डालकर सकुशल बाहर निकाला। अभी तक जो जानकारी हमें मिली है, ये हरियाणा का निवासी है। अच्छी बात है कि पहले दिन ही हम एक किसी की जान बचा पाई, लेकिन जैसे आप जानते हैं उत्तराखंड पुलिस के हर जवान यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, तैयार है। हर साल कई जाने बचाते हैं हम, लेकिन इस बात एक्चुअली कल शुरू हो रही है, उससे पहले ही जान बचाई। इसमें एक पॉजिटिव भी नेगेटिव भी है। पॉजिटिव यह है कि पुलिस द्वारा एक जान बचाई गई, इससे बेहतर कुछ काम हो ही नहीं सकता। वहीं पुलिस कप्तान कृष्ण कुमार वीके ने जवानों के प्रयास की सराहना की। इसके साथ ही हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों से सतर्कता बरतने की अपील भी की। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।